किसान कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में चेतना तिराहे पर प्रदर्शन किया। उसके बाद मार्च निकाल रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में 3 किलोमीटर का पैदल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के द्वारा पारित कृषि कानून का विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको जाने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान कांग्रेसी सड़कों पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर सूचना पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के समझाने पर कांग्रेसी धरना समाप्त कर वापस चले गए। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन से किसी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं लिया था, जिससे उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे जाने से रोक दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान तथा सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, इतना सारे पुलिस और के हम लोग को बचे हुए हैं। हम लोग लोकतांत्रिक चौक वाला मजा करते हैं। किसानों के लिए है, जो किसान आज हमारे किसान बिल विरोधी के बीच में बैठे हुए हैं, जिनके खेत को अंडानी और अंबानी दो ही व्यक्ति जो है कवर करके बैठे हुए हैं, उस बिल को वापस करने के लिए आज गोरखपुर में पदयात्रा निकाला गया। इसलिए हम कांग्रेसी हैं, पुलिस के बल पर रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम कांग्रेसी हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आगे कार्रवाई, हमारा बिल वापस नहीं होगा, उग्र आंदोलन होगा पूरे गोरखपुर में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ विभिन्न मांगों को लेकर चेतना तिराहे से जुलूस निकालने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए थे, पर चूंकि इसकी कोई पूर्व अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं ली गई थी, इसीलिए इनको यहीं तिराहे पर रोक दिया गया है। और इनसे अनुमति मांगी गई है और इनके द्वारा कोई अनुमति नहीं दिखाई गई है, तो इनको यहीं रोक दिया गया। इनसे ज्ञापन मांगा जा रहा है, अगर इनका कोई ज्ञापन सरकार के नाम होगा तो वो ज्ञापन ले लिया जाएगा और आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। फिर भी अगर ये नहीं मानते तो उनसे अभी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, चक्का जाने से कोई स्थिति नहीं है, इनको रोड के साइड में रोक दिया गया है और इनसे ज्ञापन लिया जा रहा है।